गायकंड टू रिसोर्स पॉइंट आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी विजन है की पॉलिटी की चल रही है तो हमारे यहाँ पे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्शंस इलेक्शंस में ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं सिर्फ चार टॉपिक है देख लेते हैं जो कि सबसे पहले इस बार अमेंडमेंट बिल आ रही है इलेक्शन लॉज को अमेंड करने के लिए तो इसके बारे में देखेंगे देन एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि हर बार की तरह इस बार भी ये न्यूज़ में है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में देखेंगे कि अब क्या प्रॉब्लम आन पड़ी एंड देन यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आपका न्यूज़ में रहा है उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल्स इसे भी मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूँगी तो ये दो टॉपिक आज मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल के साथ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ की अगर आप लोग विजन आइज़ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई मेल है वहाँ पर मेल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी ये पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया तो सबसे पहले देखिए पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है ये बिल तब तक बिल होता है जब तक ये आपका लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है या फिर इंट्रोड्यूस होता है ये बिल तब तक ये कानून नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट इसके ऊपर असेंट नहीं दे देते जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर असेंट दे, दे देंगे तब फिर ये आपका बिल जो है ये एक्ट बन जाएगा तो बिल में यहाँ पे क्या था कि पहले का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट नाइनटीन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन है इसको यहाँ पर अमेंड किया जा रहा है और कुछ जो सर्टन यहाँ पर इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो इन दोनों कानून के बारे में आपने तो अपने एप, एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दोनों में प्रॉब्लम क्या क्या था या फिर इन दोनों में क्या क्या यहाँ पे प्रोविज़न है दोनों कानून के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए 1950 का और 1951 में इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले 1950 की बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो इसमें है कि आप देखो कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है और डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है फॉर द इलेक्शन इलेक्शन जहाँ पे भी होता है आप देखो कि कंटेस्टेड है जो कि यहाँ पे खड़े होते हैं इलेक्शन कंटेस्ट कर करते हैं और फिर उसके बाद उस कॉन्सटिटुंसी की डीलिमिटेशन की जाती है बाउंड्री को यहाँ पे आपका जो है किया जाता है कि हाँ इतनी बाउंड्री है इस कॉन्टीट्यू ये कॉन्स्टिटुंसी का ये बाउंड्री है साथ ही हाउस ऑफ पीपल है लेजिस्लेचर ऑफ़ द स्टेट है जैसे लोकसभा और जो हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं वो यहीं से निकल कर आता है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स है यानी कि इलेक्शन के लिए जो वोटर्स यहाँ पे आते हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी आपका 1950 के तहत ही निकल कर आता है देन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉल रॉल्स जो इलेक्ट्रॉल रॉल्स है उसका जो प्रिपरेशन किया जाता है वो भी हमारा 1950 से ही किया जाता है 1951 की बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराई जाती है जो कि यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट का है और हाउसेस का है जो कि यहाँ पे लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट है इट मीन्स कि लोकसभा और राज्यसभा में जो यहाँ पे इलेक्शन होती है साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन होती है ये इलेक्शन आपका नाइनटीन के कानून के तहत होती है ठीक है साथ ही क्वालिफिकेशन और जो यहाँ पे डिसकॉविफिकेशन है मेंबरशिप का वो भी हम लोग यहाँ पे नाइन्टी के तहत देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों हाउसेस हैं उसके जो मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या यहाँ पे प्रोविजन होना चाहिए साथ ही अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या फिर अदर ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पे इस तरीके के इलेक्शन से कनेक्शन में रह रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे रखा गया है कि उनको भी यहाँ पे नाइनटीन के तहत ही देखा जाता है तो 1950 में क्या है कि एलोकेशन ऑफ़ सीट्स है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स है एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉल रॉल्स है बट यहाँ पे आप देखोगे 1951 में जो इलेक्शन कराई जाती है आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का तो ये 1951 के तहत होता है क्वालिफिकेशन और डिसकॉलीफिकेशन जो यहाँ पर आपका मेबर्स uh, का है वो भी आपका नाइनटीन के तहत है और करप्ट प्रटिसज भी जो होती है वो नाइनटीन के तहत है अब देख लेते हैं कि चेंजेस कहाँ कहाँ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सबसे पहले अगर आप लोग देखो कि क्या क्या एरिया है और एग्जिस्टिंग प्रोविज़न क्या है और इसमें क्या चेंज करने की बात की जा रही है लिंकिंग इलेक्ट्रॉल रोल्स डेटा को आधार के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिंक करना है जो इलेक्ट्रॉल रोल्स है उसको यहाँ पे आधार के साथ लिंक करने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पे अभी क्या है कि 1950 के कानून के तहत आप देखोगे तो एक पर्सन जो कि अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स में तो यहाँ पे क्या है कि उनका नाम भी होना चाहिए कि, कि किसी कॉन्स्टिट्युंसी में इलेक्ट्रॉल रोल में उनका नाम होना चाहिए कि कौन कौन वोट करने आ रहे हैं ठीक है तो पर्सन जो कि इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें उनका नाम होना चाहिए वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा कि अगर ऑफिसर्स सेटिस्फाइड हो जाते तो एप्लीकेंट को यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है और फिर उसके बाद इनको इनके एप्लीकेंट का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉल रोल में डायरेक्ट कर दिया जाता है तो यही बात यहाँ पर होती है लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे जरूरत होगा कि पहले वो उस उस, उस इंसान का आधार नंबर देखे अगर उनकी आइडेंटिटी को इस्टेबलिश करनी है पहचानना है तो उनका आधार नंबर देखेंगे और अगर नाम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉल रोल में है और आधार नंबर जो है अगर वो ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरत होगा तो वो भी देना होगा तो पर्सन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉल रोल में इंक्लूड करने से डिनाई नहीं किया जाएगा इट मीन्स कि मान लीजिए कि उनका नाम ऑलरेडी अगर पहले से ही है तो उनका आधार नंबर मांग लिया जाएगा कि एक बार वेरीफाई करने के लिए आधार दे दीजिए अगर आधार दे, दे देते हैं तो पहले से अगर नाम है तो आपके नाम को हटाया नहीं जाएगा उस उस व्यक्ति के नाम को वहाँ पर इंक्लूड किया ही जाएगा ठीक है और मान लीजिए कि किसी भी इंसान का पहले से ही नाम है लेकिन वो आधार नंबर नहीं दे पा रहे अगर वो यहाँ पे आधार नंबर नहीं दे पा रहे क्योंकि सफिसंट कॉज़ है कि इस तरीके के पर्सन के पास जो है आप देखो ऑल्टरनेटिव जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि वो यहाँ पे दे सके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिली है तो यानी कि अगर वो आधार नंबर नहीं दे पा रहे तो कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स दे दो जिससे कि उस इंसान की आइडेंटिटी जो है इस्टेब्लिश हो सके तो ये काम है सेकेंड है कि क्वालिफ़िकेशन डेटा डेट यहाँ पे इनमेंट के लिए एलेक्ट्रॉल रोल में जो यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग डेटा सॉरी क्वालिफाइंग डेट होनी चाहिए जिससे कि इन कर सके तो ये इसमें अभी क्या था कि 1950 के कानून के तहत क्या था कि क्वालीफाइंग डेट जो इनलमेंट करना है वो जनवरी फर्स्ट है हर एक साल का जनवरी फ़र्स्ट है जो जो क्वालिफाइंग डेट होता है इनलमेंट के लिए और ये क्या है कि एक इंसान जो है ना अगर 18 इयर्स हो गया है वो एलिजिबल uh, हो जाते हैं वोट के लिए एक जनवरी के बाद मान लीजिए सेकेंड जैन को भी अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए तो उनको पूरा एक साल वेट करना होता है नेक्स्ट ईयर का फिर फर्स्ट ऑफ जैन आएगा तभी उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन uh, होगा इनमेंट हो पाएगा तब वो फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो यहाँ पर वोट देंगे तो इससे क्या होता है कि एक साल बर्बाद हो जाता है इंसान का अब यहाँ पे चेंज करके क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे चार डेट रखा गया है क्वालिफाइंग डेट फर्स्ट ऑफ जैन है उसके बाद फर्स्ट ऑफ अप्रैल है फर्स्ट ऑफ जुलाई है एंड फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है तो ये चार डेट रखा गया है जिससे कि अब यहाँ पे कहा जाएगा कि क्वालिफाइंग डेट यानी कि इनके बाद जो अठारह साल के लोग हो रहे वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए और वोट देना स्टार्ट करें, ठीक है थर्ड एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन की बात की जा रही है 1950 में क्या था ना कि कुछ सर्टेन लोग जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उनको इलेक्ट्रॉल रोल में रजिस्टर कर लिया जाता था जहाँ पर भी आप रहते हो आपको वहाँ का जो इलेक्ट्रॉल रोल होता है उसमें आपका नाम आ जाता है इस तरीके के पर्सन क्या है कि कुछ सर्विस क्वालिफिकेशन अगर होल्ड करे जैसे कि मान लीजिए आर्म फोर्सेज के मेम्बर है सेंट्रल गवर्नमेंट के मेम्बर है जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं तो इसका इस एक्ट के तहत उनको यहाँ पे परमिशन थी जो इस तरीके के लोग हैं मान लीजिए कि आर्म फोर्सेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं अगर उनकी वाइफ है और वाइफ भी यहाँ पे आप देखो कि ऑर्डिनरी तरीके से उसी रेसिडेंस में रह रही है तो उनको भी यहाँ पर मान्य मिलेगा 1951 के कानून के तहत क्या था कि जो वाइफ है इस तरीके के लोग जो कि सर्विस क्वालिफिकेशन होल्ड करते तो या तो वो यहाँ पे पर्सन इन पर्सन के थ्रू आकर यहाँ पे वोट दे सकते या फिर पोस्टर बैलेट के थ्रू वोट कर दे सकते तो ये जानते हो आप पोस्टर बैलेट के थ्रू दिया जाता है जो हमारे इंडियन से अगर वो किसी काम से बाहर गए हैं अब्रॉड गए हैं तो उनके पास ये अधिकार होता है सेकेंड है यहाँ पे अब चेंज करने की बात की जा रही है कि सिर्फ यहाँ पे आपका वर्ड जो है वाइफ लिखा गया है वाइफ ही क्यों मान लीजिए कि वाइफ अगर आर्म्ड फोर्सेस में और उनके आ, और उनके हस्बैंड को अगर इस तरीके से बेनिफिशरी देना है तो यहाँ पे आपका जो है वाइफ टर्म को हटा के इस रखा गया है कंडीशन में चेंज नहीं किया गया है जो प्रोविज़न है प्रोविजन आर एज़ इट इज़ कि यहाँ पर आपका जो है जेंडर न्यूट्रल प्रोविज़न रखा गया है कि सिर्फ वाइफ कहा जा रहा है पहले तो यही था ना कि नहीं लड़कियां आर्म फोर्सेस में नहीं जाती सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में लड़कियां नहीं आती बट अब तो आप देख सकते हो कि सिनेरियो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है तो यही बातें हैं नेक्स्ट तो, uh, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रोमाइस फॉर इलेक्शन पर्पज़ तो यहाँ पर क्या है कि नाइनटीन का, का कानून है जिसके तहत ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है uh, उनको परमिट किया जाएगा कि वो प्रेमाइस अगर जो भी ज़रूरत हो कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के कहाँ कहाँ होना चाहिए या फिर बैलेट बॉक्स को स्टोर करना है आफ़्टर पोल तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नाइनटीन के तहत रखा जाता था अब क्या है कि अब क्या करना है कि इस बिल में आप देखो कि एक्सपेंड किया जा रहा है पर्पसेस कि इस तरीके की जो प्रीमाइस है उसकी अगर जरूरत है तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका काउंटिंग स्टोरेज ऑफ वोटिंग मशीन है पोल रिलेटेड मटेरियल्स है एकोमोडेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का पोलिंग पर्सनल का तो ये सारी चीज़ें भी आपका यहाँ पर और भी ज़्यादा इंक्लूड किया गया है तो ये तो बात रही कि क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ करना है अब यहाँ पे डू यू रिमेंबर कहा जा रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रॉल सिस्टम को याद है आपको तो देखिए पार्ट 15 जो हमारे संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 है जिसमें कि इलेक्शन से डील किया गया है ठीक है तो कुछ इंडियन इलेक्ट्रॉ सिस्टम कैसा है ये समझिए इलेक्शन जो है हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिज़ के बेसिस पे होता है कि सारे लोग जो कि अठारह साल से ऊपर है तो उनको पूरा अधिकार है वोट देने का जो कि इंडिया के सिटीजन्स हो और उनकी जो एज है वो अठारह साल से कम नहीं हो तो आराम से रजिस्टर करा सकते हैं इलेक्ट्रॉल रोल में वोटिंग करने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है चाहे वो रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और इसमें से कोई भी अगर रीज़न हो तो उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है साथ ही यहाँ पे प्रोविजन है एलोकेशन ऑफ सीट्स रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स का यानी कि स्कीड्यूल कास्ट को लेकर जो एटी फोर सीट्स यहाँ पर रिज़र्व होता है और स्कड्यूल ट्राइब्स को लेकर फोटी सीट्स जो है वो रिज़र्व होती है लोकसभा में और स्टेट ऑफ असेंबली और यूनियन टेरेटरीज़ में तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेकंड थिंग ये है कि रिजर्वेशन ऑफ़ सीट्स होती है थर्ड है कि कॉन्स्टिचुवेंसी को जो है डीलिमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन जैसे कि आप देखते हो कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते घटते रहती है हर एक दस साल में आपका जनगणना होता है ट्वेंटी में यहाँ पर आपका सेंसस आना था बट ड्यू टू कोविड के कारण ये सेंसस अभी तक नहीं पब्लिश हुआ है तो लास्ट जो सेंसस हम लोग यूज़ करते हैं वो टू का है जिसके तहत में देखा जाता है कि एक कॉन्स्टिचुवेंसी में पॉपुलेशन कितनी है और उस हिसाब से उसके बाउंड्री को सेट कर दिया जाता है टेन ईयर्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज ही कर रही जा, करते जा रही है हमारे देश में तो इस बेसिस पे क्या है कि एरिया और जो बाउंड्री है वो यहाँ पे इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होता है और फिर डीलिमिटेशन कमीशन के, के तहत जो है इसको चेंज किया जाता है वोटिंग आप देखो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है एफ वो भी लोकसभा इलेक्शन के केस में और थ्रू प्रोपोशन रिप्रेजेंटेशन जो कि राज्यसभा के इलेक्शन के केस में होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये इनडिस्पेंसेबल पार्ट है इलेक्ट्रोल प्रोसेस का ठीक है तो ये सारी बातें हैं जो कि आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा जो इलेक्शन के ऊपर खर्चे का लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है पार्लियामेंट्री भी और असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में रीज़न कहा जा रहा है कि हाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रल्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है यहाँ पे आप देखो कि हाइक हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो खर्चे हैं इलेक्शन को लेकर वो उस चीज़ों को इंक्रीज़ कर दिया गया है अगर हम लो लोग एक्सपेंडिचर लिमिट देखें कि लोकसभा कॉन्स्टिचुएंसी के लिए कितना यहाँ पे लिमिट आपका बढ़ा दिया गया है तो 70 लाख पहले था कि 70 लाख खर्च कर सकते हैं अब यहाँ पे 95 लाख रखा गया है वो भी बिगर स्टेट के लिए बड़े बड़े राज्यों के लिए साथ ही छोटे राज्यों के लिए पहले फ़िफ्टी लाख था तो अब इसको बढ़ा के सेवेंटी लाख रख दिया गया है तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपका लोकसभा के लिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिमिट जो है बढ़ा दिया गया है फॉर असेंबली कॉन्स्टिचुएंसी अगर हम लोग देखें तो एक्सपेंडिचर लिमिट जो है ये भी आपका बढ़ चुका है वो भी बिगर स्टेट के लिए अगर आप लोग देखोगे तो ट्वेंटी एट ,00 से से के यहाँ पे 40 लाख ,00 कर दिया गया है अगर स्मॉलर स्टेट्स के लिए देखें तो ट्वेंटी लाख ,00 से इंक्रीज़ करके 28 लाख ,00 कर दिया गया है तो ये बातें भी ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखो पंजाब असेंबली पोस्ट जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया तो ये जो आपका काम किया गया है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पे किया गया है कि जो इलेक्शन हो रही है उसको पोस्टपोन कीजिए इन व्यू ऑफ गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेशन और ये जो आपका पोस्टपोन किया गया है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन के सेक्शन वन के तहत ऐसा काम किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि वो यहाँ पे इलेक्शन का टाइम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं साथ ही साथ इस तरीके का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे डेट ऑफ नॉर्मल रिजोलूशन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए और टर्म ऑफ द हाउस है जैसे कि मान लीजिए कि अगर डेट एक्सटेंड कर रहे हैं तो लोकसभा की अगर यहाँ पे आपका इलेक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि लोकसभा का फाइव ईयर्स कम्प्लीट हो जाए या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका स्टेट असेंबली का अगर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम आगे बढ़ गया है टर्म ऑफ हाउस की अगर हम लोग बात करें तो इमरजेंसी में इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन इसको एक्सटेंड करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही डिक्लेयर कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो तो इमरजेंसी को रेस्ट्रिक्ट किया गया है टू ओनली टू सिचुएशन टू सिचुएशन में कि हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो यहाँ पे अगर वॉर हो गई तभी हो सकता है या फिर मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया तभी हमारे देश में जो है uh, एक इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग ने दो कानून को अच्छे से देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन एंड फिफ्टी इनमें अभी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है और बहुत सारे प्रोविजन को चेंज करने की बात की जा रही है तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ तो अभी क्या हुआ कि कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को एक डेडलाइन दिया गया है कि आप डिफेक्शन केसेस को जो है इसको ऑर्डर पास करो ठीक है तो डिफेक्शन होता क्या है डिफेक्शन कहने का मतलब है कि फ्लोर क्रॉसिंग करना एक तरीके का प्रैक्टिस है जो कि एक पॉलिटिकल मेम्बर्स के द्वारा जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगर मेंबर है तो उनको अगर लगता है कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी में खुश नहीं है तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाए या फिर आप देखो कि इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं फॉर इस्टेंस अगर देखें तो लोकसभा में अगर कोई ए पार्टी के एम पीज़ है और वो ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी बी को तब उनको ये कहा जाएगा कि आप डिफेक्टेड हो गए कि आपने यहाँ पे जो है अपने पार्टी को छोड़ दिया फिर आपने धोखा दे दिया आपने झूठ बोला फरेबी किया ये सारा चीज़ है तो इसलिए उन उस तरीके के जो मेंबर होते हैं उस तरीके के जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेम्बर हैं उनको बर्खास्त कर देना होगा उनको निकाल देना होगा ये तो एक कॉमन है साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ देख लेते हैं देखिए आपको टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंट ट्वेल्थ देखने को मिलेगा और ऑडिशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एट स्कीड्यूल थे आफ्टर डैथ नाइन्थ स्कीड्यूल आया और टेंथ स्कीड्यूल आया तो नाइन्थ स्कीड्यूल किस टॉपिक के बारे में है इसको आपको बतानी है टेंथ स्कीड्यूल यहाँ पर आपका फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एड किया गया जिसमें कुछ प्रोविजन है जिसमें यह कहा गया कि जो लोगों को यहाँ पे डिसकॉलीफाइड किया जाता है चाहे वो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो तो वो वहाँ पर डिफेक्शन एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे जो एम पीज हैं और एम एल एज़ हैं तो उनको यहाँ पर आपका आ, डिसक्विफाई किया जा सकता है अब कैसे कैसे किया जा सकता है तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर डिसक्वालीफिकेशन समझते हैं कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए एम एल जो है उनको कैसे डिसक्वालीफाई कर सकते हैं या तो वो अपनी मेम्बरशिप जो है वॉलेंट्री गिव अप कर दें जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं और आप, अचानक से अगर वो अपनी मेम्बरशिप को मीन्स दे दें वो गिव अप कर दे तो फिर डिसक्वालिफ़िकेशन हो सकता है या तो वो वोट करे या तो एब्सटेंट करें मान लीजिए कि एक पार्टी है उनके द्वारा कहा गया है कि वो इसके लिए इसके फेवर में वोट करेगी लेकिन अगर कोई एक इंसान है और उस फेवर में वोट नहीं करते हैं अपने मन से जाकर वोट करते तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ठीक है एक इंडिपेंडेंट मेम्बर अगर किसी हाउस के हैं तो वो भी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं अगर उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद जाकर ज्वाइन कर लिया इट मीन्स कि जीत के वो अकेले आए लेकिन अगर उनको फेवर किया जा रहा है अगर वो उनको बेनिफिट दिख रहा है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो इस केस में उनको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा साथ ही नॉमिनेटेड मेम्बर के लिए क्या है कि नॉमिनेटेड मेम्बर्स जो है वो यहाँ पर डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे फॉर बींग ए मेम्बर ऑफ हाउस अगर उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिक्स मंथ के एक्सपायर एक्सपायर करने के बाद अगर ज्वाइन कर लिया तो तो देखिए अगर एक इंसान है कोई एक पर्सन अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं लोकसभा के स्पीकर जैसा या फिर राज्यसभा के चेयरमैन जैसा तो उनको अगर रिज़ाइन करना है पार्टी से तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन अगर फिर से वो रिज्वाइन कर सकते हैं पार्टी से जब से उन्होंने अपने पोस्ट को छोड़ दिया ठीक है डिमिट कर दिया जैसे कि स्पीकर की पोस्ट से हट गए तो फिर अगर वो पार्टी को कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक आराम से ज्वाइन कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा नहीं ठीक है और फोर्थ है यहाँ पे सॉरी थर्ड है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोविजन है टेंथ स्कड्यूल का वो ये एक्सैम्ट किया है डिसक्वालीफिकेशन से इन केस ऑफ स्प्लिट मान लीजिए कि लेजिस्लेचर पार्टी है उनके वन थर्ड मेंबर जो है अगर वो स्प्लिट हो रहे हैं तो इसको यहाँ पे आपका हटा दिया गया है कि इस केस में जो है यहाँ पर डिस्कवालीफिकेशन नहीं किया जाएगा और इस चीज़ इस पॉइंट को डिलीट किया गया है नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट टू के हिसाब से डिसाइडिंग अथॉरिटी के इस के बारे में अगर हम लोग देखें कि अगर डिसकॉलीफिकेशन करना है मेंबर को तो कौन डिसाइड करेंगे तो लोकसभा के स्पीकर करेंगे प्रेसाइडिंग ऑफिसर और राज्यसभा के यहाँ पे चेयरमैन करेंगे रूल मेकिंग पावर किसके हाथ में तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के जिनको कि यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि आप रूल्स बना सकते हैं इट मीन्स कि टेंथ स्कड्यूल के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे जो अधिकार लाया गया है वो पूरी तरीके से प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास है सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे फैक्ट्स पता होना चाहिए अब ये समझते हैं कि कैसे ये लॉ है जो कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया गया है जब कुछ इससे रिलेटेड मैटर को वो डिसाइड करते हैं इंटरप्रिटेशन है, है यानी कि वॉलेंट्री अप ऑफ इस मेंबरशिप है ये जो वर्ड है इस ये सेंटेंस को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो ये जो फ्रेज है इसमें आपका क्लियरली नहीं लिखा है कि वॉलेंट्री जो गिव अप है वो क्या है ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको इंटरप्रिटेट किया गया है कि यहाँ पे फॉर्मल रेजिग्नेशन जो मेंबर के द्वारा दी जाती है ना उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप जो है ये यहाँ पे कंडक्ट के द्वारा है कि कंडक्ट कर रहे हैं उसके बाद अपनी मेंबरशिप को अप कर दे रहे हैं तो मेंबर्स जो कि पब्लिकली ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो अपने पार्टी के अपोजिशन में है खिलाफ़ में है और दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो रिज़ाइन देना चाहते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ें वॉलेंट्री गिव अप में ऐसा लग रहा है डिसीजन देखें अगर हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर का तो ये जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में है कि अगर यहाँ पे आ, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मान लीजिए स्पीकर है या फिर चेयरमैन है उन्होंने किसी को अगर डिसक्वालीफाई किया है तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी उसको झाक नहीं करेगी जुडिशरी भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी जुडिशियल रिव्यू के तहत यहाँ पर आपका देखा जाएगा ठीक है साथ ही अगर हम लोग देखें तो टाइम लिमिट है यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये टाइम लिमिट होना चाहिए कि वो किसी केस को डिसाइड करे क्योंकि आप देखते हो कि कई जन्मों जन्मों तक हो जाता है लेकिन डिसक्वालीफिकेशन जो है जो मेंबर के ऊपर लगाई जाती है तो उससे मेंबर डिसक्वालीफाई नहीं होते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है तो यहाँ पर आप देखते हो कि नहीं हो पाता है तो यहाँ पर क्या है ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये कहा गया है कि आप जो है एक टाइम लिमिट होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो है यहाँ पे वो कार्रवाई कर दे यानी कि डिसक्वालीफाई कर दे तो कानून के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऐसा कोई टाइम पीरियड रखा ही नहीं गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है इतने दिन में डिसक्वालीफिकेशन प्ली को डिसाइड करेंगे तो कोर्ट के द्वारा ये एक्सप्रेस किया गया है कि अननेसेसरी जो डिले हो रहा है उसको लेकर तो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे स्पीकर्स को कह रहे हैं कि आप कुछ रूल्स लेकर आओ डिसफिकेशन पिटीशंस को लेकर कि यहाँ पे कितने दिन में किसी एक डिसक्वालीफिकेशन पिटीशन को जो है आप यहाँ पे क्लियर करोगे तो ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है तो अब आते हैं यहाँ पे तो ये हो गई हमारे डिस्कवालीफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में तो एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखना है टेंथ स्कीड्यूल फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट उसके बाद क्या क्या प्रोविजन है जिसके तहत डिसक्वालीफिकेशन होता है तो डिसक्वालीफिकेशन फॉर द मेबर फॉर द इंडिपेंडेंट मेबर एंड नॉमिनेटेड मेम्बर ऐसा हम एक्सेप्शन साथ है तो उसको भी ध्यान रखना है फाइन नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में तो अभी कहा जा रहा है कि ए डी आर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि फोर नेशनल पार्टीज़ जो है यानी कि टोटल तो आठ नेशनल पार्टीज़ हैं उसमें से चार जो है जैसे बीजेपी है आईएनसी है एआईटीसी है और एनसीपी है इनके द्वारा 62 परसेंट अपने टोटल इनकम का जो डोन यहाँ पर उनके पास कलेक्ट हुआ है वो डोनेशन से ही कलेक्ट कर पाए वो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यहाँ पे एक तरीके का डोनेशन है जो कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले पैसे देते थे तो पैसे नहीं देना आप डोनेशन के फॉर्म में आप यहाँ पर दे सकते हो बॉन्ड के फॉर्म में उनको पैसे दे सकते हो तो ये चीज़ें हैं देखिए चार यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है इसके अलावा चार पार्टी और है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने की वो चार नेशनल पार्टी और कौन कौन सी है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली ये इंटरेस्ट फ्री फिनशियल इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आप लोग डोनेशन देना चाहते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो दे सकते हो कौन यहाँ पे ये बॉन्ड परचेज़ कर सकते है? तो हम जैसे लोग हैं सिटीजन हैं या फिर कोई भी बॉडी है जो कि हमारे देश में है तो हम लोग को यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है कि हम लोग बॉन्ड परचेज़ करें अब ये डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड डिनोमिनेशन क्या क्या है तो बॉन्ड अगर आपको वन थाउजेंड में लेना है तो ले सकते हैं टेन थाउजेंड है और यहाँ पे वन लाख ,00 है वन मिलियन ,00 है और टेन मिलियन ,00 है इस तरीके से टर्म्स में यहाँ पे आपका रखा गया है फिर है कि वेन मे सच बॉन्ड्स भी ब्रॉड यानी कि कब इसको हम लोग खरीद सकते हैं तो ये परचेज़ करने का यहाँ पर है यानी कि जब यहाँ पर क्वार्टर आपका स्टार्ट होता है जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में तो फर्स्ट टेन डेज़ यहाँ पर ओपन रहता है जिससे कि जिसके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हो अब इसका लाइफ स्पैन क्या है कि हम लोग अगर इसको खरीद लिए तो कितने दिन तक ये रहेगा तो रिडिमेबल है यानी कि यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का तो जिस दिन आप ख़रीदे हो उससे 15 डेज में आपको यहाँ पे इसको रिडीम करा देनी है यानी कि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देनी है फिर है कि विच पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन यानी कि क्या सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन मिलेगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तहत वैसा नहीं है वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि लोकसभा में एटलीस्ट वन परसेंट वोट उनको मिला है या स्टेट असेंबली इलेक्शन में उनको वन परसेंट वोट भी अगर वो सिक्योर कर पाए और रजिस्टर्ड है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन के सेक्शन ट्वेंटी ए के तहत तो वैसे वोटर्स जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है वैसे पार्टीज़ एलिजिबल है कि वो यहाँ पर डोनेशन ले सकते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू अब इसको कब अनाउंस किया गया था तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम कब आया था यूनियन बजट सेवनटीन एटीन में अब क्या इसके और भी फीचर्स हैं तो यहाँ पे आप देखो कि कोई भी लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ़ बॉन्ड यानी कि एक इंडिविजुअल कितना बॉन्ड खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है या कोई एक कंपनी अगर कितना खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है एस बी आई डिपॉजिट बॉन्ड है यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे फिफ्टीन डेज में बिल्कुल ही ये उनको अपने अकाउंट में पैसे ले लेना है और वो भी यहाँ पर तो उनको इन्हेंस इन कैश नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो ये भी चीज़ें कही गई है तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं देखिए फिर से ई मशीन न्यूज़ में था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इसलिए है क्योंकि सिटीजन्स की जो कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट है ई और वी वी का वो अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया तो ई के बारे में कहा जा रहा है ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अभी जो मॉडर्नाइज तरीके से इलेक्शन प्रोसीजर हो और इसके थ्रू हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करा सकें ई में आप देख सकते हो दो यूनिट हैं एक कंट्रोल यूनिट होता है एक बैलेटिंग यूनिट होता है ये जो यूनिट है एक साथ यहाँ पे केबल के साथ जोड़ा भी जाता है ई की बात करें तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है ये किसी भी ऑर्डिनरी आम बैटरी से ये रन करता है ई की बात करें तो सबसे पहले ये पारूर असेंबली कॉन्स्टिट्युवेंसी जो केरल में है 1982 में तब ई का यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था उसी के साथ अगर 1988 में देखें तो एक नया सेक्शन आया सिक्सटी ए जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट नाइनटीन के तहत है और इसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इम्पावर किया गया है कि अगर ई को यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं ई को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किया गया और यहाँ पे 2000 मैक्सिमम वोट्स का रिकॉर्ड रखा गया है ई की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स uh, हैं जो कि यहाँ पे कैटर किए जा सकते हैं जिसमें कि नोटा भी है नन ऑफ द अव और ये जो प्रोविजन है कैंडिडेट्स का ये आप देखो कि यहाँ पर सिक्सटीन कैंडिडेट्स है कि वन बैलेटिंग यूनिट में ये रहते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है कि जो अरेंजमेंट है यानी कि जिस तरीके से कैंडिडेट का नाम को अरेंज किया जाता है बैलेट पेपर में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है इट मीनस कि ए है तो ए की पहले होगी बी लेटर से अगर बी लेटर से अगर किसी का नाम है तो वो बाद में होगा जेड से होगा तो वो लास्ट में होगा इस तरीके से और फर्स्ट कैंडिडेट जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के फिगर है देन यहाँ पे अदर स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है तो इस तरीके से जो है नाम आपका अरेंज होता है तो ये रही पूरी बात ई के बारे में वी देख लेते हैं वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्राई ये क्या है वी एक इंडिपेंडेंट मशीन होता है जो कि ई के साथ ही इसको अटैच किया जाता है और जिसके थ्रू देखिए ई मशीन को हैक करने की बहुत बार जो है ये बात आई थी कि ई मशीन हैक हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर किसी को वोट करते हैं तो बेसिकली वो वोट उसमें नहीं जाता किसी और में चला जाता है तो ये कंप्लेन था जिस कंप्लेन को दूर करने के लिए एक वी ऐसा मशीन लाया गया जिसमें कि जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए कि क्या आपने जिसको वोट दिया है क्या वोट उसी को गया है कि नहीं तो ये वेरीफाई होगा अब वेरीफाई कैसे होगा तो ये जो वी, वी पैट मशीन है इसमें एक स्लिप निकलेगा इस तरीके का प्रिंटेड और उसमें ये लिखा रहेगा कि सीरियल नंबर नेम और सिंबल ऑफ द कैंडिडेट जिसको भी आपने वोट दिया है तो उसका नेम सीरियल नंबर और यहाँ पे सिंबल ऑफ़ द कैंडिडेट रहेगा और वो आपको विजिबल होगा सिर्फ सेवन सेकेंड के लिए इस मशीन से ये ऊपर आपका स्लिप निकलेगा ये चार चीज़ें तीन चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगी और फिर ये जो आपका स्लिप है ये वापस से अंदर चला जाएगा

कैंडिडेट को गाइडलाइंस दे इलेक्शन शुरू होने से पहले तो आपको पता है कि जब इलेक्शन शुरू होता है तो उसके दो महीने पहले से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जैसे ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिस दिन से इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उसी दिन से ये कंडक्ट लग जाता है इसके बाद क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है और कोई भी आम जनता जो है उनके बीच में कोई डिफ्रेंस नहीं होता कोई अगर न्यू कैंडिडेट खड़े हो रहे और प्राइम मिनिस्टर है तो दोनों के बीच में कोई डिफ्रेंस नहीं है इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लगाया जाता है ये आपका जो है कंसेशुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू के साथ ही इसको इवॉल्व किया गया है साथ ही आप देखो कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है आर्टिकल 324 इसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे पावर दिया गया है कि इलेक्शन को आप यहाँ पे सुपरवाइज़ करो जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप देखोगे तो संविधान में इसकी मेंशन कहीं पे भी नहीं है और ये उस डे दे, उस डेट से होता है जब इलेक्शन स्कड्यूल जो है अनाउंस हो जाता है कि कहाँ कहाँ किस किस डेट में इलेक्शन होगा और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका लगा ही रहता है ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉर्म है ये पहली बार स्टेट असेंबली इलेक्शन में लाया गया था वो भी केरल में इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये वो ये ऐसी कोड को वो इशू करते हैं फॉर्ट द फर्स्ट टाइम नाइन्टीन के इलेक्शन में और साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर हनन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के द्वारा ये लॉ के द्वारा इसको इन्फोर्स किया जाएगा तो ऐसा भी नहीं है ठीक है कुछ सर्टेन प्रोविजन अगर आप एम का देखोगे तो यहाँ पे आ, जैसे इंडियन पीनल कोड में इंडियन पीडल कोड के थ्रू यहाँ पे आरोप लगाया जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे काम किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है इसके थ्रू यहाँ पे काम किया जाता है तो ये सारे कुछ कानून हैं जो कि यहाँ पे एन सी के तहत यहाँ पे आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा फिर आता है स्टार कंपेनर स्टेटस आप देखो स्टार कंपेनर नॉन स्टार कंपेनर इस तरीके के होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर है कि ये रिवॉव करना है स्टार कंपेनर स्टेटस का तो रिसेंटली इसको जो है आपका स्टील लगा दिया गया तो ये देखिए स्टार कम्पेनर क्या होता है एक स्टेटस होता है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो इसमें कुछ बिग नेम्स को लेकर आते हैं जैसे बहुत सारी आप देखते हो कि एक्टर एक्ट्रेस को लेकर आया जाता है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अब उनका नेम एंड फेम हो तो इसको कहते हैं स्टार कंपेनर आप देखो यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है जो कि ये गवर्न करे कि कौन यहाँ पे स्टार कंपेनर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है एक कोई भी रिकग्ननाइड अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उसकी 40 स्टार कंपेनर हो सकते हैं चालीस ऐसे स्टार वो ला सकते हैं और अगर हम लोग अन की बात करें तो यहाँ पे 20 है तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से अभी पैंडमिक था तो इसमें यह नंबर भी आपका घटा दिया गया था साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जो लिस्ट होता है स्टार कम्पेनर का वो यहाँ पर चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन के साथ विद इन अ वीक जब से यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इलेक्शन का आता है तब ठीक है अब यहाँ पे देखिए डिलिमिटेशन कमीशन है इसलिए उस समय मैं ज़्यादा नहीं बोली क्योंकि मुझे ये चीज़ पता था कि बाद में ये डिलिमिटेशन कमीशन है जिसमें आपका यहाँ पे आपका डिटेल आप देख लोगे देखिए डिलिमिटेशन कमीशन है जो कि यहाँ पे लोकसभा को रीड्रॉ करने के लिए और असेंबली कॉन्स्टिचुंसी को रीड्रॉ करने के लिए बनाया गया तो इस बार जम्मू एंड कश्मीर जिसको कि स्टेट से यूनियन टेरीटरी में कन्वर्ट कर दिया गया तो इसलिए यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया आसाम है अरुणाचल प्रदेश है मणिपुर है और नागालैंड है डिलिमिटेशन कहने का मतलब है कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिचुंसी है उनकी बाउंड्री को फ़िक्स करने के लिए होता है ठीक है डिलिमिटेशन की बात करें तो इसको अज़ाइन किया गया है कि हाई पावर बॉडी है जिसको डीलिमिटेशन कमीशन कह रहे हैं बाउंड्री कमीशन कह रहे हैं आर्टिकल 82 देखें तो आर्टिकल 82 के तहत यहाँ पे आपका पार्लियामेंट को इनैक्ट किया गया है कि डिलिमिटेशन कानून लेकर आना है आफ्टर एवरी सेंसस हर दस साल में सेंसस होता है जो पॉपुलेशन घटता बढ़ता है तो उस समय उस तरीके से बाउंड्री भी बढ़ाना घटाना है तो डिलिमिटेशन कमीशन हर एक सेंसस के बाद लेकर आना है बट वन सेवेंटी के तहत आप देखोगे तो स्टेट्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिचुंसी में तो एटी टू आर्टिकल आपको याद रखना है कि डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन जो है आज के डेट में आप देखो कि चार बार बनाया गया है 1952 में 1963 में 1973 में और 2002 में तो लास्ट जो बना है वो 2002 में बना है 2001 के इलेक्शन सेंसस uh, के बाद तो 2012, थाउजेंड के सेंसस के बाद नहीं बनाया गया और इस बार देखते हैं इस बार तो बनाया ही गया है क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड है डिलिमिटेशन की कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसकी जो ऑर्डर होती है वो ये होती है कि लॉ को यहाँ पे इन्फोर्स करना और इसकी जो ऑर्डर होती है उसको हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कंपोजिशन की बात करें तो थ्री मेंबर्स जो है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होंगे एक सर्विंग और रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो सर्विंग और रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के तो वो डिलीड डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नोटिफाइड है नॉमिनेटेड है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे ठीक है किसी स्टेट और यूनियन टेरीटरी के इसी में आप देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है तो विस्टा प्रोजेक्ट जो कि ये रिलेटेड है आपका पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा है उससे रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट जो है इसमें ये कहा गया है कि अब न्यू ट्राइंगर शेप का पार्लियामेंट बनेगा अभी जो हमारा पार्लियामेंट है वो राउंड शेप का है ठीक है तो एक कॉमन सेक्रेटेरिएट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिस का साथ ही पी ऑफिस होगा रेसिडेंस होगा ठीक है ये सब होगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी होगा अब इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि आप देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फोर टाइम्स बढ़ चुका है जब से हमारी भारत जो है आज़ाद हुई है तो इसलिए हमें भी ज़रूरत है कि लोकसभा की कॉन्स्टिचुएंसी को बढ़ाना होगा डिलिमिटेशन के थ्रू और जो करेंट पार्लियामेंट है उसमें इतनी एनअ सीट नहीं है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है उतने एक्स्ट्रा सीट उतने एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को हम लोग अभी का जो पार्लियामेंट है उसमें बैठा सकें नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग कॉन्स्टिचुएंसी की तो कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा यहाँ पे आ, फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की गई है कि ये रिजर्व किया जाएगा कंटेस्ट करने के लिए और वोट करने के लिए ओनली फॉर कश्मीरी पंडित जो कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से निकल कर आए हैं और मान लीजिए कि जैसे सिक्किम में किया गया था तो ये जो फ्लोटिंग कॉन्स्टिचुंसी है इंडिया संघ मॉडल का जो कि लामा संघ थे सिक्किम में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा गया था आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन क्लॉज एफ के तहत ये एक कॉन्स्टिच्युवेंसी है जिसमें कि किसी बिना किसी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के होता है यानी कि फ्लोटिंग यानी कि फ्लोट कर रहा है इसमें कोई भी फिक्स्ड एक बाउंड्री नहीं है साथ ही जिसमें कि सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें फिफ्टी वन मोनास्ट्रीज़ के साथ तो जो कंटेस्ट करे और वोट कर वगैरह करे तो उसको लेकर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल है तो अगर आप हम लोग यहाँ पर देखें तो हंड्रेड ईयर्स यहाँ पर पूरी हो चुकी है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का तो पी के द्वारा ये कहा गया कि अब वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल लाया गया जाएगा एक टेक्नोलॉजिकल बूस्ट होगा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए जिसमें कि सारे स्टेट की जो असेंबली है उसको कनेक्ट किया जाएगा अब ये जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो कॉन्फ्रेंस uh, है ये एक अपेक्स बॉडी है हमारे लेजिस्लेचर की हमारे देश में जो कि 1921 में ही ये इसको फाउंड किया गया था हिस्टोरिक रेजोल्यूशन देखें तो ये विमेंस का राइट है राइट टू वोट है नाइन्टीन में जिसको कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर पास किया गया था ओके तो so, यहाँ पे हमारी इलेक्शन की जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स ठीक से समझ में आए होंगे कहीं पे भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और जितनी भी मैं यहाँ पे आर्टिकल को डील करती हूँ मेक श्योर कि आप वो सारे आर्टिकल्स को सही तरीके से मेमोराइज़ कर लो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल्स के बारे में तो पंचायत का ये एक्सटेंशन टू द स्कीड्यूल एरिया एक्ट है नाइनटीन का जिसे पेसा एक्ट कह रहे हैं तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया और क्योंकि यहाँ पे 25 साल पूरे हो चुके हैं जब से ये पैसा आया है तो इसलिए इसको सेलिब्रेट कर रहे और इसको भी एक पार्ट बनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तो 25 साल पूरे हो गए उसी के शुभ अवसर पर यहाँ पे काम हो रहा है तो इसलिए अब हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है तो इसलिए ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है पेशा एक्ट के बारे में आपको याद रखना होगा सबसे पहले तो आर्टिकल रट्टा मार लीजिए टू एम है जिसमें फिफ्थ स्कीड्यूल एरिया है जिसको कि पार्ट नाइन से एक्जैम्ट रखा गया है जो हमारे संविधान का है बट पार्लियामेंट को एक अलग से पावर दे दिया गया है कि अगर आपको कुछ प्रोविज़न एक्सटेंड करना है स्कीड्यूल एरिया और स्कीड्यूल ट्राइब्स के लिए तो यहाँ पर आप कर सकते हो एक रिकमेंडेशन दिया गया है एक कमेटी है दिलीप सिंह बुरिया कमेटी तो पेसा एक्ट को यहाँ पे इनैक्ट किया गया था नाइनटीन में फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए और फिर इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो पेसा एक्ट जो है इसको कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स कि संविधान के अंदर ही एक अपने आप में बहुत सारा बड़ा सा संविधान और इसमें आप देखो कि पार्ट नाइन में इसको एक्सटेंड किया गया है और वो भी फिफ्थ स्कीड्यूल एरिया में वो भी टेंथ स्टेट में है अंडर द क्लॉज वन और आर्टिकल टू फोर्टी फोर है जिसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन है अब वो दस राज्य कौन है जिसमें कि पेशा एक्ट आपका अप्लाई होता है अगर इस दस स्टेट में से आप बिलोंग करते हैं तो इसलिए पेशा एक्ट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंध्र प्रदेश है छत्तीसगढ़ है गुजरात हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान और तेलंगाना तो ये टेन स्टेट है जहाँ पर पे आपका पेशा एक्ट और फिफ्थ स्कड्यूल एरिया जो है वो आपका एक्सटेंड हो रहा है ठीक है इसके साथ अगर हम लोग देखें इट रिकगनाइजेज द रोल ऑफ द ग्राम सभा पेसा एक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ दस ही एरिया में दस एरिया आपका फिफ्थ स्कीड्यूल एरिया में ठीक है पेसा एक्ट उन सारे जगह पे है जहाँ पे स्कीडल एरिया और स्कीड्यूल ट्राइब्स है यहाँ पे जो ग्राम सभा का रोल है उसको रिकगनाइज किया गया है कम्युनिटी का उस एरिया में जो कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर डिवॉल्व है पावर और अथॉरिटी जो कि डिरेक्टली यहाँ पे ग्राम सभा और पंचायत को दी जा रही है नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो वो भी इस कानून के तहत रखा गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेशा एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ठीक है साथ ही आप देखो कि लोकल सेल्फ गवर्न, गवर्नेंस को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है पंचायती राज को लाकर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जा रहा है कि लोकल लेवल पे भी अब आप देखो कि लो ग्राउंड लेवल पे भी अब यहाँ पे लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसलिए सारे स्टेट पंचायती राज एक्ट्स जो है वो फिफ्थ स्किडूल एरिया का इसमें कुछ सैलेंट फीचर्स हैं कहा जा रहा है कि सारे जो स्टेट लेजिस्लेशन है पंचायत का तो वो यहाँ पे फॉलो करेंगे कस्टमरी लॉ को भी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कम्युनिटी रिसोर्स का और साथ ही साथ आप देखो हर एक गांव में एक अलग से ग्राम सभा बनानी है जिसमें कुछ लोग होंगे जिसका नाम यहाँ पर इलेक्ट्रल रोल में उस पंचायत से तो होना ही है साथ ही हर एक ग्राम सभा जो है यहाँ पे आप देखो कि ग्राम सभा का काम है कि जो लोगों की ट्रेडिशन है कस्टम है उसको प्रिजर्व करना और यहाँ पे सेफ रखना साथ ही उनका जो अपना कल्चर आइडेंटिटी है कम्युनिटी रिसोर्सेस है इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है तो ये भी काम आपका हर एक ग्राम सभा के तहत दिया गया है हर एक पंचायत में क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखा गया है कि कितने यहाँ पे कम्युनिटी पॉपुलेशन पुपु, पुपु, है उस बेसिस पर रिजर्वेशन रखना है यानी कि मिनिमम जो है पचास परसेंट तो होना ही चाहिए साथ ही पंचायत चेयरमैन जो पंचायत के है वो सारे लेवल पर हो तो इसको भी इसके ट्राइब्स के लिए रिजर्व करके रखना है ग्राम सभा का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे कहा गया कि सारे डेवलपमेंट वर्क जो है विलेज में आइडेंटिटी यहाँ पे बेनिफिशरीज़ में ये यह सब यहाँ पे काम किया जाएगा साथ ही जो सर्टिफिकेट वगैरह है कि फ़ंड को कैसे यूटिलाइज़ करना है इसको भी यहीं पे इशू किया जाएगा ठीक तो है तो ये बातें हैं यानी कि ये ये यह सारी यहाँ पर प्रोविजन है ग्राम सभा के यहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर फंक्शन ये सारी चीज़ें इसके तहत आपका रखा गया है मेज़र पावर ग्राम सभा का क्या है ये समझिए मेज़र पावर तो यहाँ पे ये यह है कि रीसेटेलमेंट करना है रीहैबिलट करना है यानी कि आप देखो कि जो यहाँ पे माइनर मिनरल्स है उसको लीज में देने के लिए या फिर उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए रीसेटेलमेंट और रीहेबिलेट करने की बात की गई है साथ ही यहाँ पे अगर कोई लोग कंजप्शन करते हैं लीकर का तो उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है सेल वगैरह या कंज्यूम वगैरह इसको रोकना है साथ ही आप देखो कि इंस्टीट्यूशन को जो कि सारे ऑल सोशल सेक्टर्स में है लोकल प्लान्स हैं तो उनको यहाँ पे जो है कंट्रोल करना है फंक्शन यहाँ पे उनकी देखनी है साथ ही पा, पावर है कि मैंडेटरी कंसल्ट करना है सारे मैटर्स को लेकर अगर मान लीजिए कि उस एरिया में कोई लैंड एक्वायर कर रहा है या फिर यहाँ पे कोई गलत तरीके से ला, इस लैंड में आपका घुस गया है या फिर एलिनेटेड लैंड को रिस्टोर करना है तो इस तरीके का भी काम यहाँ पे दिया गया है ग्राम सभा को साथ ही यहाँ पे जो माइनर वाटर बॉडीज़ है उसको मैनेज करना है क्योंकि वाटर बॉडीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको भी मैनेज करने का अधिकार जो है ग्राम सभा के तहत दिया गया है फाइन सो so, ये सारी बातें हैं अब आते हैं नेक्स्ट है जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है जिनके द्वारा एक जॉइंट कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका भेजा गया है ऑल स्टेट गवर्नमेंट को और इसको लेकर यानी कि एक्सपीडिश इम्प्लीमेंटेशन जो स्कड्यूल ट्राइव का कर करना है उसको लेकर ठीक है तो ये कानून है जिसके तहत यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसको कहते हैं इसका नाम है स्कीड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स रिकोगशन ऑफ़ फॉरेस्ट राइट एक्ट टू ठीक है इस कानून के तहत अगर हम लोग देखें तो ये एक्ट में क्या है ना कि फ़ॉरेस्ट राइट यानी कि जंगल में रहने वाले लोगों का क्या अधिकार है उसको देखना और उसको उन उन तक पहुंचाना भी ठीक है और उनका काम भी होता है फॉरेस्ट लैंड में तो ये सारा काम भी उनका देखना उनको सिक्योर करके रखना यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है ये आपका कुछ फॉलोइंग टाइप्स में है यानी कि टाइटल राइट right किसका होता है तो यहाँ पे आप देखो कि एफ एस एस डी एफ डी एस टी है यानी कि यहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट ड्यूलिंग स्किड्यूल ट्राइब्स है इसके बारे में और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स है इनके बारे में इनका राइट right है कि जहाँ पे भी वो रहते हैं उनके ज़मीन की ओनरशिप यहाँ पे वो रख सकते हैं यानी कि ट्राइबल पीपल्स को कहा गया है कि मैक्सिमम फोर हेक्टेयर तक का जो लैंड है वो उनके नाम पर हो सकता है उनकी ओनरशिप हो सकती है यूज़ राइट right भी रखा गया है कि अगर वो यहाँ पे फॉरेस्ट में जंगलों में रह रहे हैं तो जंगल में जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बेच कर वो अर्न कर सकते हैं ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं चरवा सकते हैं फिशिंग कर सकते हैं और वाटर बॉडीज़ को जो है अगर उस फॉरेस्ट एरिया में है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं साथ ही रिलीफ और डेवलपमेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से किसी को पकड़ा गया है या फिर किसी तरीके से पकड़ा गया या फोर्सफुल किसी लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उनको रीहेबिलेट करने की ज़रूरत है रिहेबलेट करने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी जगह पर रह रहे हो तो आपका एक बसा बसाया आया वहाँ पर दुनिया होता है इट मीन्स कि हर कुछ फिक्स होता है कि आपको सुबह उठना है कहाँ जाना है कहाँ काम करना है कहाँ रहना है सोना खाना पीना सब कुछ होता है अगर आपको हटा कर दूसरी जगह भेज दिया जाए तो ऑब्वियस है कि पहले जगह पर जहाँ आप काम कर रहे थे अब वही सेम काम तो आप दूसरी जगह नहीं कर पाओगे आपको एक नया काम सर्च करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप अपनी दिनचर्या को चला सकते हो तो उसके लिए क्या होता है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कीजिए पहले जहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे जो काम करते थे और नई जगह गए हैं तो वहाँ पे जो काम की डिमांड है उस हिसाब से लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना इट मीन्स कि कम्प्लीटली उनकी जो दिनचर्या है उसको फिर से सेटल से डाउन करना तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि रिहेबिलेट किया जाता है फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट भी है यानी कि यहाँ पे उन लोगों को अधिकार भी दिया गया है कि आप यहाँ पे जंगलों को प्रोटेक्ट कीजिए रीजनरेट कीजिए कंजर्व भी कीजिए और यहाँ पे मैनेज भी कीजिए किसी भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज़ को साथ ही नॉलेज राइट भी है यानी कि राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्रेडिशनल नॉलेज है रिकगनीशन है ट्रेडिशन कस्टमरी राइट का भी तो ये सब भी अधिकार दिया गया है ट्राइबल पीपल्स को साथ ही ग्राम सभा का भी यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो कुछ प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं जैसे कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या है या फिर दोनों का यहाँ पे वो देख सकते हैं ठीक है थीके? साथ ही इस कानून के तहत आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए एक तो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से जो भी रिसोर्सेज़ है जंगलों में आप देखो पेड़ पौधे होते हैं उनके लीफ होते हैं स्टेम होते हैं वुड होते हैं फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं है। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आ गई ठीक है तो जो लोग वहाँ पर कई सालों सालों से रह रहे हैं तो उनकी अपनी ट्रेडिशन और कस्टमरीज बाउंड्री होती होगी विलेज की उनका यूज़ होता होगा कि वो कैसे इस सारे एरिया को यूज़ करेंगे ठीक है और ये वो आप इस पर देख सकते हो कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज में रिजर्व फॉरेस्ट भी आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आता है प्रोटेक्टेड एरिया भी आता है जैसे सेंचुरीज़ हो गए नेशनल पार्क हो गए तो ये सब भी यहाँ पे काउंट हो जाता है फाइन उसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अगर हम लोग बात करें तो माइनर फॉरेस्ट में क्या क्या आता है जैसे बैम्बू हो गए वुड हो गया स्टम्प्स हो गया केन है तुषार है कोकोन्स है हनी वैक्स ये सब है नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना उन सब को यहाँ पर जो है आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कि ये सब जंगलें से मिलता है तो मेडिसिनल प्लांट हर्ब्स हैं रूट्स है तो ये सब जंगलों से मिलता है तो जंगलों से मिलने वाली ये सारी चीज़ों से जो है वो लोग यहाँ पर मार्केट में बेचते हैं फिर उसके बाद जो है उससे वो अर्न करते हैं फॉरेस्ट ड्यूलिंग स्किल ट्राइप करने का क्या मतलब है कि कुछ कम्युनिटी या कुछ मेंबर जो कि स्किडल ट्राइब्स के हैं जो कि बहुत पहले से रह रहे हैं और जो जंगलों पे ही डिपेंडेंट है और फॉरेस्ट लैंड पे ही डिपेंडेंट है उनका लाइफ उसी से चलता है और उनको उसकी ज़रूरत भी है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलिंग कहते हैं अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स कौन होते हैं कि कोई भी मेंबर या कम्युनिटी जो कि एटलीस्ट थ्री जनरेशन उनकी रह रही है 2005 से पहले उनकी तीन जनरेशन उसी जंगल में रह रही है और उनकी पूरी दिनचर्या जो है उस जंगल और उस जंगल की ज़मीन पे ही उनका टिका हुआ है तो उसको अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स कहते हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट किसको कहते हैं तो इस तरीके का एरिया जैसा कि नेशनल पार्क है सैचुरीज़ है जिसमें आप देखो कि यहाँ पे कुछ पर्पस होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर जिसकी जिसको डिटरमाइन किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ऑफ़ यहाँ पे इन्वारमेंट के द्वारा उसको नोटिफाई भी किया जा रहा है तो इसको हम लोग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट कहते हैं यानी कि ऐसा क्रिटिकल एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहते हैं फॉरेस्ट विलेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेटलमेंट्स की बात की जाती है जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा जंगलों के अंदर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी भी राज्य सरकार के द्वारा तो फॉरेस्ट विलेज है जहाँ पर जंगल है उस तरीके का अगर वहाँ पर लोग बस रहे हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो उसको फॉरेस्ट विलेज कह दिया जाता है ठीक है तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है इस फॉरेस्ट राइट से जो भी है ये जो एक्ट है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो जंगल है उसको कंजर्व करना है इस्ट्रेन करना है उसके बाद जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस है बहुत सारे ट्राइबल्स जो है कई सालों से वर्षों से अपने उस जंगल में रहते आ रहे हैं तो उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता है तो उनका उनके साथ जो पुराने समय से इनजस्टिस होते जा रहा है उनको यहाँ पर दूर करना साथ ही इंश्योर करना कि लैंड टेन्योर होना चाहिए कि उनके पास उनके नाम पे ज़मीन होना चाहिए ओनरशिप होना चाहिए उनका ज़मीन यहाँ पे लाइवलीहुड और फ़ूड सिक्योरिटी उनको मिलते रहना चाहिए तो ये सारी चीज़ों भी इस एक्ट के थ्रू इंश्योर कराना है फ़ाइन तो ये पूरी बातें रह गई आई होप कि आपको फॉरेस्ट राइट्स जो एक्ट है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा अब आते हैं नेक्स्ट जुबेनाइल जस्टिस अगेन ये आप देखो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अमेंडमेंट एक्ट है ये तो पार्लियामेंट के द्वारा तो इसको पास कर दिया गया है और ये चाहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट करना क्योंकि जुबेनाइल जस्टिस एक्ट जो है टू में आया था आफ्टर निर्भया केस ठीक है तो जुविनाइल कौन होते हैं जुवेनाइल वो इंसान होते हैं जिनकी एज अठारह अच्छा साल से कम है जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है टू में इसमें यह कहा गया था कि बच्चे जो है अगर वो कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायल होता है जुमनाइल का अगर वो किसी कानून के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्सटीन टू एटीन इयर्स और जैसे उनको एडल्ट माना जाएगा कुछ सर्टेन केसेस में तो इस कानून के थ्रू क्या था कि जुविनाई जो पहले का लॉ था और जुविनाई जस्टिस ट्वेंट टू थाउजेंड था उसको रिप्लेस कर दिया गया और इससे क्या हुआ कि इंडिया की कमिटमेंट थी कि हाँ वो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड को वो साइन करेंगे एक hey, कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन को उसको साइन करेंगे चेंजेस जो इस कानून में बनाया गया है टू और अभी क्या कहा गया है एडोपशन है कि पहले क्या था कि यहाँ पर जो चाइल्ड की एडॉप्शन है वो फाइनल हो जाएगी एक बार सिविल कोर्ट के द्वारा अगर एडॉप्शन ऑर्डर यहाँ पे इशू कर दिया जाता है अब क्या है डीएम को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इनको भी इंक्लूड किया गया है एडॉप्शन ऑर्डर को लेकर स्पीडी डिस्पोजल के लिए भी यहाँ पे इंश्योर किया गया है ठीक है एडिशनल फंक्शन अब डीएम को दे दिया गया है कि वो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करेंगे बहुत सारे जो एजेंसीज़ है उसके साथ वो मिलकर फंक्शन करेंगे ठीक है अब क्या है कि अपील करने का तो कोई भी अपील करने के लिए नहीं था यानी कि जो भी यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा जो भी ऑर्डर लगा लाया जाता था वो ऑर्डर को माना जाता था इसके अगेंस्ट में आप हायर कोर्ट में कहीं पे भी जाके अपील नहीं कर सकते थे अब इस कानून में ये प्रोविज़न हटा दिया गया अब यह कहा जा रहा है कि कोई भी अगर पर्सन परेशान है किसी एडोपन ऑर्डर को लेकर तो वो यहाँ पे जा सकते हैं अपील कर सकते हैं डिवीज़न कमीशन के पास तो इस कमिश्नर के पास उनके पास तीस दिन का टाइम है जिसमें कि वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं सीरियस ऑफेंसेस को लेकर अगर हम लोग देखें कि कोई एक बच्चा जो ही, हीनियस ऑफेंस किया है जैसे आप निर्भया केस में देख सकते हो कि एक जो विनाइल था जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा गंदे काम किए गए थे तो अगर हीनियस ऑफेंस है तो उनको मिनिमम पनिशमेंट जो है वो सात साल दिया जाएगा सीरियस ऑफेंसेज है तो उनकी पनिशमेंट जो है तीन से सात साल होगी और अगर हम लोग यहाँ पर पी टी देखें तो ये तीन से कम यहाँ पे उनके लिए इम्प्रीजमेंट होगा तो जोविनाय जस्टिस बोर्ड जो है वो इंक्वायरी करेगी बच्चों को लेकर कि उनके पास उनके ऊपर किस तरीके का सीरियस ऑफेंसेस है ठीक है अब क्या है कि सीरियस ऑफेंसेस को और भी रीडिफाइन किया गया है और इसमें और भी पनिशमेंट रखा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट तो तीन से सात साल है मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पर आपका मोर देन सेवन ईयर्स है और कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं है यानी कि लेस देन सेवन ईयर्स से तो कोई ज़्यादा कोई कम पनिशमेंट होना ही चाहिए मिनिमम आपका एक सेवन ईयर्स होना चाहिए या इससे बढ़ा देना चाहिए ठीक है डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात करें तो जो भी अपराध बच्चों के अगेंस्ट में बच्चों के अगेंस्ट में किया जाता है तो वो पनिशेबल होगा इम्प्रेसमेंट है मोर देन सेवन ईयर्स ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि सारे अपराध को इस कानून के तहत जो है चिल्ड्रेन कोर्ट में ही ट्राई किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है फिर एक ऑफेंसेस अगेंस्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखे बच्चों के अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन देखे तो कोई भी अपराध जो कि इस कानून के तहत किया गया और इसमें पनिशेबल जो है आपका तीन से सात साल तक है तो उसको कॉग्निजेबल कहा जाता है कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना और ये नॉन अवेलेबल है यानी कि आसानी से आपको बेल भी नहीं मिलेगा पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगा कोर्ट से लेना होगा अब क्या है कि अमेंडमेंट करके कहा जा रहा है कि ये नॉन कॉग्निजल है इट मीन्स कि यहाँ पे वारंट इशू कीजिए तब अरेस्ट कीजिए किसी को और ये नॉन अवेलेबल भी है यानी कि बेल आसानी से नहीं मिलेगा फिर यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं तो ऐसा कहा गया था कि हर एक स्टेट में एक या इससे ज़्यादा तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए और साथ ही यहाँ पे एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है तो इसके अपॉइंटमेंट को लेकर तो यहाँ पे कहा गया था कि जो मेंबर होंगे मेंबर रिलेटेड होंगे हेल्थ सेक्टर से एजुकेशन सेक्टर से और लोगों की वेलफेयर बच्चों की वेलफेयर करने के लिए तो एटलीस्ट उनके पास सेवन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेवन ईयर्स के लिए होनी चाहिए साथ ही यहाँ पर प्रोफेशनल हो कि बच्चों को लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी हो साइकेट्री हो लॉ हो सोशल वर्क हो तो इन सब की फील्ड के भी लोग अगर हो तो वो इसके यहाँ पर मेम्बर बन सकते इस कमेटी के अब क्या है कि एडिशनल क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर कि कोई भी पर्सन जो है वो एलिजिबल मतलब कि ऐसे पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कि जिसका कि पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने खुद ही चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट किया है या फिर उनका जो है वो मोरल टर्पिट्यूड uh, को को लेकर विथ्स उन्होंने कुछ मॉरल यहाँ पे हर्ट किया है ऑफेंसेस अपराध किए या फिर उनको सर्विस से हटा दिया गया है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई सर्विस से उनको हटा दिया गया है या फिर ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के ही पार्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के तो ऐसे लोग यहाँ पे इसके मेंबर नहीं बनेंगे ठीक है अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जैसे कि केबल टेलीविजन ये आपका नेटवर्क रूल्स आया है तो सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस रूल्स को अमेंड किया गया है और कहा गया है कि जो सिटीजन्स के यहाँ पर ग्रिव्यांस है कंटेंट जो ब्रॉडकास्ट को लेकर टीवी चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट दिखाए जाते हैं अगर उनको परेशानी है तो उसको लेकर यहाँ पे बातों को रिड्रेस करना है टेलीविज़न मीडिया अगर इंडिया में आप देखोगे तो उसके लिए कानून है यानी कि के, के, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है आप भी टेलीविज़न में कुछ भी देखते हो और आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो ठीक है एट प्रेजेंट एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो कि लोगों की जो ग्रिव्यांश है उसको देखते हैं तो ये बात याद रखना है फिर है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 तो ये बिल है अभी तक कानून नहीं बना है तो इसलिए इस पर काम बात नहीं करेंगे बात ये करेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके हेड क्वार्टर मुंबई में है और नाइन रीजनल ऑफिसेज़ है और अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये स्टैटरी बॉडी है क्योंकि कानून के द्वारा बनाया गया ये सिनेमेटोग्राफी ग्राफ एक्ट नाइनटीन के तहत तो इसको बनाया गया ठीक है फिर यहाँ पे मॉडल टेनेंसी एक्ट तो मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात करें तो आसाम यहाँ पे पहला राज्य बन गया है जिनके द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया है और इसका एम बस यही है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है यानी कि जो टीनेंट्स होते हैं और लैंड होते हैं इनके बीच में विश्वास की कमी होती है उसको यहाँ पर लेकर आना यानी कि विश्वास बनाए रखना तो टेनेंसी एग्रीमेंट है यानी कि नो पर्सन विल लेट आउट और रेंट एनी प्रमानसिस विदाउट सच एग्रीमेंट बिना एग्रीमेंट के जो है कोई भी यहाँ पे आपको रेंट में नहीं रखेगा और नहीं आप रेंट में रहोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको ऑलरेडी करना होता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं और ये एकदम मैंडेटरी है कि लैंड जो है वो सिक्स मंथ के बाद आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस कर देंगे रेंट अथॉरिटी भी है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया है कि यहाँ पर लैंड ऑथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन करना है रेंट कोर्ट भी होगा रेंट ट्राइब्यूनल्स भी होगा क्योंकि आप देखते हो कि रेंटर्स को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झिकझक होती है तो इससे रिलेटेड जो है मैटर कोर्ट में चले जाते हैं तो आप कोर्ट में ना जाके ट्रिब्यूनल में आएंगे और एजेंशियल सप्लाई और सर्विसेज होनी चाहिए कई बार आपका कंप्लेन होता हो कि लैंड ने पानी नहीं दिया बिजली नहीं दिया इस तरीके की यहाँ पर कंप्लेन होती है तो वो भी नहीं चलेगी ठीक है फिर है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टांस एक्ट 2021 तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया है और इसमें यह है कि इस कानून में आपका कुछ ऑपरेशन को रेगुलेट किया गया है जैसे कैसे ये नारकोटिक ड्रग्स वगैरह जो है उसकी मैनुफेक्चर ट्रांसपोर्ट और कंजप्शन होती है साथ ही यहाँ पे फाइनेंसिंग सर्टेन इलिसिट एक्टिविटीज़ है कि कुछ यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए तो उसको भी फाइनेंस किया जा रहा है जैसे कैनबीज़ को यहाँ पे कल्टीवेट करना पर्सन जो भी इंकेस्ट है इस तरीके के एक्शन में ये एक अपराध है उसको पनिश भी करना होगा ठीक है तो इम्प्रेसमेंट है कि यहाँ पे टेन इयर्स तक का यहाँ पे जेल भी रखा जाएगा ये सारी बातें फिर नेशनल एंटी डोपिंग बिल है तो अगेन ये एंटी डोपिंग बिल है तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी लेकिन हाँ डोपिंग क्या होता है ये बताऊँगी तो डोपिंग कहने का मतलब है कि ऐसे सबस्टांस का यूज़ करना या फिर ऐसे काम करना जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो डोपिंग वगैरह आप देखते हो कि जो एथलीट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके तो उसके कारण जो है यहाँ पे इसको बैन किया गया है क्योंकि इससे आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा तो इंडिया के द्वारा एन डी को इस्टैब्लिश किया गया था टू में और नाडा है टू में तो एन डी ये करेंटली सस्पेंड किया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा कि वो यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट को मीट करने में फेल हो गए फाइन अब यहाँ पे एक और बिल है खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का तो ये तो मैं नहीं बताऊँगी ये बिल कोई काम का नहीं है बट ये चीज़ आप देखो कि ये कहा जा रहा है कि खासी जो है वो यहाँ पे मैट्रनियल सोसाइटी है और इनकी इनहेरिटेंस और डिसेंट आपको मदर्स क्लान से देखने को मिलेगा इट मीन्स कि हम लोग के में क्या होता है कि फ़ादर्स की तरफ से हम लोग की जो है वो वंश आगे बढ़ती है बट यहाँ पे मदर्स क्लान चलता है अच्छी बात है मेघालय में फिर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 तो पार्लियामेंट के द्वारा ये पास हो गया है और इस एक्ट में क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 2009 की थी उसको अमेंड करना है और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी है कहाँ तो टेरिटरी ऑफ लद्दाख में उसके लिए अमेंड किया गया है फाइन आज के डेट में आप देखो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है लद्दाख वाले यूनियन टेरीटरी में वुमेंस राइट इन इन्हेरेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दो केस है एक तो है कि वेमेंस राइट right जो कि इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में और दूसरा है डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 में है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इन दोनों कानून को यहाँ पर रिफॉर्म करना है हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये कहा गया है कि राइट है मतलब कि महिलाओं का भी राइट है अगर हिंदू ज्वाइंट फैमिली से है तो इनहेरिटेंस का राइट है साथ ही इसको दो में अमेंड किया गया फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया हिंदू फीमेल को कि वो भी यहाँ पे एब्सोल्यूट ओनर है यानी कि अगर पिता का प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटा बेटी दोनों को यहाँ पे अधिकार दिया गया है डॉरी जिसे हम लोग दहेज कहते हैं और स्त्री धन कहते हैं साउथ इंडिया में तो इसको भी डिफाइन किया गया है कि ऐसा प्रॉपर्टी या वैल्यूबल सिक्योरिटी जो कि यहाँ पर दिया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जब यहाँ पर आपका शादी होती है तो यानी कि जब मैरिज की सेरेमनी होती है तो इसमें एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को कुछ यहाँ पर एक सिक्योरिटी मनी या प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसको यहाँ पर डॉरी कहा गया है ओके तो गाइज़ हमारी ये भी टॉपिक कंप्लीट होती है कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेशनरी स्टेटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को देख लेंगे जो भी न्यूज़ में रहे तो फास्ट तरीके से मैं आपकी यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ डेली बेसिस में आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं तो अगर आप लोग को ये लेसन सब हेल्पफुल हो रहे हैं तो इसके लिए लाइक like कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है तो इसी तरीके से रिविजन में लगे रहिए और मिलती हूँ कल मैं इसी टाइम पर इसी लेसन के साथ तब तक लिए थैंक यू